राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये लाइब्रेरी भवन प्रोग्रेसिव यंग लॉयर फोरम की ओर से हुए आयोजन में रोड सेफ्टी ऑडिट, ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम, सड़क दुर्घटना और अधिनियम के प्रावधान और जुर्माना राशि को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर राजस्थान उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस दीपक माहेश्वरी भी मौजूद रहे। प्रोग्रेसिव यंग लॉयर्स फोरम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मोटर एक्सीडेंट्स पे ऑर्गेनाइज करी गई, जो रोड सेफ्टी का नया कानून लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर कार्यशाला रखी गई। आज के मुख्य अतिथि हैं वो जस्टिस दीपक महेश्वरी थे और उसके उनके साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट प्रमोद बसीन थे। हमारे साथ कई युवा अधिवक्ता और कई लॉ स्टूडेंट्स भी हैं। ये कार्यशाला पर हमने कई मुख्य बिंदु डिस्कस करे हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटना जो नया कानून है वो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किस हद तक महत्वपूर्ण है रोड एक्सीडेंट्स को चेक करने में, उस पर चर्चा करेंगे हम। एक गुड समारिटन लॉ है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था निर्णय 2015 में, उस पर चर्चा करी। उसके अलावा हम जो ओवरलैपिंग पावर्स है दोनों राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये कार्यशाला के करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट AK जैन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की श्री